तो दोस्तों आज मैं करने जा रहा हूँ री अनबॉक्सिंग हो सीरीज़ की, जो कि प्रकाशित की गई है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ इसी सेट की अनबॉक्सिंग, जो मैं काफ़ी समय पहले कर चुका हूँ। इसका कारण है, ये सीरीज़ मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी पहले, और उसमें मुझे 25% का डिस्काउंट मिला था। डिस्काउंट के साथ में जो है शिपिंग चार्ज भी लगा था, हालांकि मेरा जो लोकेशन है उसमें 80 रुपीज़ शिपिंग चार्ज लगा था। तो वो सारा मिला करके अगर हम किसी भी सेलर के 10% से कंपेयर करें तो 1500-1600 रुपये का डिफरेंस था इस सेट में। एक तो ये बात थी, दूसरा उसमें फोर में एक पेज नंबर 2 और 21 शायद ऐसा कुछ था, 20 सेम था। तो इसी वजह से मैंने वो सेट अमेज़ॉन पे रिटर्न कर दिया था, क्योंकि अमेज़ॉन पे मुझे रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि वो रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता जी ने अनाउंस तो किया था कि वो नई कॉमिक्स देंगे उसके बदले में। खैर, तो इस वजह से मैंने अमेज़ॉन पे रिटर्न करा, और फिर सेलर के पास में आने के बाद में रिप्लेसमेंट कॉपी, तभी मैंने इसको ऑर्डर किया। तो आइए फिर से अनबॉक्सिंग करते हैं इसी सीरीज़ की, एक एक करके कर लेते हैं, क्योंकि पूरा सेट मैंने नया मंगवाया है। देखते हैं कि कोई स्टिकर भी चेंज हो गया क्या, क्योंकि युगारंभ और डोगा ओरिजिन की जो कॉमिक्स थे उसमें ये स्टिकर भी मुझे चेंज मिले थे कई बार। तो आइए इनको देख लेते हैं, स्टिकर निकाल के दिखा देता हूँ। तो करके ये है हॉरर सीरीज़ है, 8 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट का नाम भी वही रखा गया है जो सीरीज़ का नाम है, और इसके साथ में हमें मिल जाता है सुपर कमांडो ध्रुव का एक पेपर स्टिकर, और भोकाल का एक करेक्टर है कुबड़ा शैतान, उसका ट्रेडिंग कार्ड। और इस सेट को लेने के पीछे काफ़ी रीडर्स की वजह जो रही होगी वो रही होगी सुपर कमांडो ध्रुव के स्टिकर्स। तो इस सेट के साथ में जितने भी पेपर स्टिकर मिले वो सुपर कमांडो ध्रुव के थे। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड जो है ये स्टिकर, खैर मैं इसको पूरा अब नहीं निकाल के दिखाऊंगा, आप पुरानी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, उसमें आपको ऐड वगैरह सारे मिल जाएंगे। मैं सीधा 4 नंबर कॉमिक्स को चेक करूँगा कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। लेज़ी ये भेड़िया का करेक्टर है, जो भेड़िया का सिंबल बना हुआ है, और इसमें पीछे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसी को ट्रेडिंग कार्ड बोलते हैं, सुपर कमांडो ध्रुव का पेपर स्टिकर। ये पेपर स्टिकर ध्रुवोदय की जो 5 कॉमिक्स थी उनमें से किसी एक कॉमिक्स में था, लेकिन वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित थी। तो संजय गुप्ता जी की तरफ से ये स्टिकर पहली बार आया है, इस तरीके से ये रिपीट देखने को मिलता है, लेकिन राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता की तरफ से रिपीट नहीं है। हमारे हाथ में आती है हु 3। मैं पूरी कॉमिक्स भी निकाल लेता हूँ, अंदर की पेज भी देख लेने चाहिए, इसी अनबॉक्सिंग में प्रोडक्ट का भी चेक हो जाता है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। भोकाल का एक शानदार ट्रेडिंग कार्ड, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग कार्ड लग रहा है ये, और अगेन सुपर कमांडो ध्रुव का ही स्टिकर, बहुत अच्छा स्टिकर है विंटेज वाला। चलिए अंदर से निकली गई कॉमिक्स को देख भी लें, कई बार मिस प्रिंटिंग या पेज मिसिंग ऐसा भी कुछ इशू देखने को मिलता है। आर्टवर्क मुझे इसका कुछ खास नहीं लगा, इसके बाद के जो पार्ट थे उसमें विनोद कुमार जी का मुझे आर्टवर्क देखने को मिला था, वो फिर भी मुझे अच्छा लगा था, वो हु 5 में था। तो 1 और 2 हमने कॉमिक्स देखी नहीं अभी, मैं उसे भी देख लूँगा, ये बेटर रहेगा, तो प्रोडक्ट भी चेक हो जाएगा इसी बार में। ये है वो मेन कॉमिक्स जिसमें वो प्रॉब्लम आया था, देख लेते हैं। इसके साथ ट्रेडिंग कार्ड मिला है फिर से भोकाल का ही, बहुत शानदार ट्रेडिंग कार्ड है भोकाल और सलोनी का। ओह, इसके पीछे इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी दिखाई गई, देखिए आप। खैर, सुपर कमांडो ध्रुव का तो नहीं है, लेकिन उनकी टीम जो है पीटर करीम और रेनू कमांडो फोर्स के कैडेट्स हैं। अनुपम जी का बनाया हुआ है, देखिए इस पर नाम है अनुपम जी का। और अब वो पेज चेक कर लिया जाए जिसमें कि इशू था। ओह, इसका ये कवर मुड़ा से लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रीबाइंड किया गया है, मतलब सेलर से ये रिकलेक्ट कर लिया गया होगा और उसी में वो करेक्शन किया गया होगा। और जो है क्या बोल सकते हैं, तो जिन रीडर्स ने उस समय परचेज़ कर लिया होगा, जैसे कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, तो वो उन रीडर के पास तो पड़ा रहा होगा, कि जहाँ तक मुझे पता उनसे रिकलेक्ट किया कि नहीं ये मुझे नहीं पता। वो पेज शायद ये था, पेज नंबर 2 देख लेते हैं कैसे रिप्लेस किया गया है। 2 ही था, तो पहला पेज ये देखिए, अब गोंद भी मुझे महसूस हो रहा है, तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट किया गया है। और मैंने बकायदा ये मैंने उमा कार्ड से मंगाई थी, आपने बड़ी पार्सल में देख लिया होगा, तो मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा यार जिन्होंने पहले मंगाई थी उनको ये कॉपी एक्स्ट्रा मिलेगी, तो यदि मैं मंगवाऊँ आपसे तो क्या मुझे ये पूरा सेट विद रिप्लेसमेंट कॉपी मिलेगा या एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं मिलेगा, तो उसका रीज़न यही रहा होगा। देखिए ये पेज एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया, खैर करेक्टेड कॉपी मिल चुकी है, यही एक इशू था शायद। तो मुझे भी मेरा पुराना वीडियो को रेफ़र करना पड़ेगा,
टू नंबर पेज और 20 नंबर पेज सेम प्रिंट था, इसमें चेंज हो चुका है, तो ये करेक्टेड कॉपी है। नेक्स्ट पे आते हैं हु 5। मैंने उस अनबॉक्सिंग में भी बताया था कि ये कॉमिक्स मेरे से बहुत पहले थी और हु सीरीज़ की एकमात्र कॉमिक्स मेरे पास थी। मुझे थ्रेड हॉरर से इसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने प्रेत अंकल सीरीज भी नहीं मंगवाई, ये फ्रेंडली सीरीज भी मैं नहीं मंगवा रहा हूँ। इसमें भी सिर्फ ये भोकाल के ट्रेडिंग कार्ड्स हैं या सुपर कॉर्नर थ्रू के विंटेज जो स्टिकर्स हैं चिपकी हुई है, कॉमिक्स चिपकी हुई है। खैर ये कॉमिक्स चाहते ही नहीं कि मैं कॉमिक्स को बाहर निकालूं, इसलिए इतना गौन डाल दिया है। तो ये देख लेते हैं, सुपर कॉर्नर थ्रू का स्टिकर, फिर से अनुपम सिन्हा जी वाला और भोकाल की ही कॉमिक्स का करेक्टर है रूपसी, उसका ट्रेडिंग कार्ड चेक कर देते हैं इसको। नेक्स्ट आती है हु 6। आप इसके पूरे ऐड और अगर आपको देखने हो सारा, तो पुरानी अनबॉक्सिंग को भी रेफर किया जा सकता है, सिर्फ एक ही प्रिंटिंग मिस्टेक थी, बाकी सारा सब कुछ ठीक था। क्या है सभी में गोंद का, ये देख निकल ही नहीं रही पॉली बैग से, आ रहा है स्टिकर ध्रुव के दे दी लेकिन बाकी कुछ काम का नहीं है। ये सुपर कॉर्नर ध्रुव का स्टिकर और अगेन भोकाल और रूपसी का ट्रेडिंग कार्ड मिल जाता है, खजाना का विंटेज ऐड है इसमें, मैंने उस समय भी अप्रिशिएट किया था इस चीज़ को। हु 7 बुरी स्थिति है, बस पॉली बैग पैक है, लगभग सभी कॉमिक्स चिपकी हुई हैं। सुपर कमांडर ध्रुव का स्टिकर ये हमें ढंग से मिल रहा है, थोड़े पतले लग रहे हैं स्टिकर पर ठीक है। और ये ब्लाइंड डेथ का ट्रेडिंग कार्ड, लास्ट का हमारे पास कॉमिक्स आती है हु 8, कवर दिखा देता हूँ। इसमें ज़्यादा बताने कुछ नहीं आएगा, केवल करेक्टेड कॉपी की वजह से मैंने सेट मंगाया, अदरवाइज इसकी अनबॉक्सिंग प्रॉपर वे में हो चुकी है पहले भी। सुपर कमांडर ध्रुव का पेपर स्टिकर है ये, देखिए ये रहा कॉमिक्स, देख लीजिए अगर निकलती है तो निकलेगी मुश्किल ही। ओह सारी ही कॉमिक्स चिपकी हुई है, चेक भी कैसे करें इनको, फिर से पॉली बैग में रखना पड़ेगा वरना यह अदर कॉमिक्स को ख़राब करेगी। तौफीक जी का चित्रांकन है, जिसका चित्रांकन हमें एंथोनी की सीरीज में भी देखने को मिला था। खैर पुराने समय की याद आती है इनको देख करके, ये पुराने ऐड वगैरह पसंद है मुझे काफ़ी और अच्छी क्वालिटी के रिप्रिंट है। ग्लू वाला इशू इस सेट में ज़्यादा है, मैंने जो अमेजोन से सेट मंगाया था वो काफ़ी फ्रेश था, बस उसमें वो एक पेज का ही वो इशू था। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अमेजोन पे 25% डिस्काउंट मिला था संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स पर, पर एक शायद 30 सितंबर तक उसका डेट था, नहीं नॉट सितंबर, शायद अगस्त तक था ऐसा कुछ था। और उसमें भी मैंने काफ़ी सारे प्री ऑर्डर कर रखे थे तो मैं उसका लाभ नहीं उठा पाया था, केवल एक सेट में लाभ उठाने की कोशिश की थी और वो भी विफल रहा, उसे रिटर्न करके ये उमा कार्ड से मैंने मंगवाया। तो ये सारी सीरीज, ये सारी कॉमिक्स हमारे हाथ में है। शुरुआत की जो कॉमिक्स थी कुछ 1 और 2 वो मैं अंदर से चेक नहीं कर पाया था, मैंने केवल नॉवल्टी निकाल ली थी। ये अनबॉक्सिंग वीडियो का अच्छा अवसर है इसको चेक कर लेने का, नहीं निकल रही तो निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ फिर कोई मिस्टेक रहेगी और फिर वो काफ़ी समय बाद पता लगेगी तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता, हालांकि होनी नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए इसमें। ये हैं देखिए, ये सारे अभी रिप्रिंट हो रहे हैं लगभग। खैर ये सीरीज़ कैसी है मुझे भी कुछ खास नहीं पता इसके बारे में, सिर्फ इतना बताएगी 5 नंबर कॉमिक्स में देखेगी, थोड़ा सा हॉरर वाली है और कंप्लीट सीरीज़ है, तो वो अच्छी हो बुरी हो जैसी भी है, कंप्लीट सीरीज़ होने से ये बेनिफिट रहता है कि आपको पढ़ने का भी मन करे तो पूरी पढ़ सकते हैं, मुश्किल है इसको निकालना। सारी ही कॉमिक्स चिपकी हुई है, एक भी ऐसी कॉमिक्स नहीं निकली इसमें जो कि देखिए ग्लू से चिपकी हुई ना हो, कितना मुश्किल आपके सामने आए, निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया है इनको। नागराज कांत का ऐड, तो इन कॉमिक्स से अच्छे मुझे ये ऐड और इसके साथ में जो पेपर स्टिकर मिले हैं अनुपम सिन्हा जी के आर्ट के साथ में, वो मुझे लगे इसमें। आदिल शाह खान, ओह आदिल जी का आर्ट अब अंदर आया है काफ़ी, हमने देखा ना वो तब से काम करें क्या आदिल जी वो। तो खैर ये सभी आर्टिस्ट अब काफ़ी परिष्कृत हो चुके हैं, उस समय शुरुआती समय रहा होगा इनका। खैर तो डिफरेंट इस पूरी सीरीज़ में अलग अलग आर्टिस्ट का काम देखने को मिलता है, तो वैसे वो सेट ज़्यादा बेटर लगा था, इसमें ग्लू वाला काफ़ी इशू था, उसमें नहीं था कुछ भी इशू, सिर्फ एक ही था वो जो एक पब्लिशर की तरफ से रिप्रिंट जो प्रिंट का मिस्टेक था वही मिस्टेक था एक इसमें। तो खैर इनको मैं बाद में पैक करता रहूँगा, अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। और एक बात मैं और इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको कि चैनल पर एक गिव अवे भी चल रहा है जो कि खूनी खानदान सुपर कॉर्नर ध्रुव का जो कलेक्टेड एडिशन है उसका है, तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप जरूर चेकआउट करें, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करें। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।